हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू सुनने आई एस गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड एंजॉइंग दिस सीरीज विच यू हैव स्टार्टेड ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। गाइज, टिल नाउ वी हैव कवर्ड आर स्टार्टेड विद इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गोदावरी, in the form of Krishna, in the form of Kaveri. In today's class, we are going to cover, those who are coming directly to it, I would request them to see these videos in sequence, guys. Indus, Ganga, we have done it elaborately and once for all. Those students who are following me must be understanding the difference too, guys, right? But over here, in the last class, we have studied Godavari, Krishna and Kaveri. Now in today's class our agenda is to do the small west flowing rivers, यहाँ पर आपको कुछ rivers मिलेंगी, small east flowing rivers, यहाँ आपको कुछ छोटी छोटी rivers मिलेंगी, and वो होता क्या, question में आता कैसे है, मैं आपको बताऊंगा। एक river का नाम mention होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा वो कहाँ पर है, वैगई, वंशाधारा, छोटी छोटी rivers हैं ये, these are small rivers which you have to learn, ठीक है, सिर्फ word association that this river is flowing in the east direction towards Bay of Bengal or Arabian Sea, or this river is associated with Gujarat or Orissa. Like this, you should have some connection with these rivers. Godavari, Krishna, inka to root exactly pata hona chahiye, Ganga, Indus, tabhi humne inka root bahut hi elaborately padha, right? But in choti rivers ka aapko root nahi dekhna, in choti rivers ka aapko sirf state aur kis jagah flow kar rahi hai, kis jagah river ka mouth hai, right? This we have to understand. Today's agenda is to do the smaller river system and under that we will be seeing the east flowing rivers and the west flowing rivers. Theek hai guys? For example, see this question guys, like Brahmani, वंशाधारा, सुब्रनेखा, नागावली, दीज आर ऑल स्मॉलर रिवर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से कौन राइज करता है, ईस्टर्न घाट इज ओवर हेयर, राइज करके फॉल इधर ही तो करेगा वो, ठीक है, तो ओवर हेयर वी विल बी सीइंग इट। और ये है क्या, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन कब का है, 2021 प्रीलिम्स गाइस, लेटेस्ट क्वेश्चन आर लाइक दिस, सो दीज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, वो ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर द मेजर रिवर सिस्टम्स। नाउ दीज आर स्मॉलर रिवर सिस्टम्स, राइट? सी ओवर हियर गाइस, वी आर फर्स्ट सीइंग द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग में सबसे मेजर रिवर विच वी हैव टू सी राइट नाउ इज महानदी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल महानदी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां को जाती है, वी ऑल विल बी सीइंग इट, बट ओवर हियर यू नो दैट गंगा इज लाइक दिस ओवर हियर, ठीक है, गंगा का फ्लो तो आपको पता ही है, यहां से कहीं झारखंड से आई टोल्ड यू दैट दामोदर इज कमिंग एंड दामोदर इज मीटिंग दिस हुगली ओवर हियर, आई होप यू रिमेंबर दिस दामोदर ओवर हियर गाइस। नाउ वी विल सी अनदर रिवर लाइक दिस ओवर हियर इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दैट इज महानदी रिवर। अगेन द कोर्स इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस महानदी रिवर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया, दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया, राइट? सो ओवर हियर वी विल सी महानदी एंड इट्स रूट। सो टू स्टेट्स वी हैव टू सी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। नाउ वी विल ज़ूम दीज टू स्टेट्स, गंगा की वजह से हमने नॉर्दर्न स्टेट, ब्रह्मपुत्र की वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इंडस की वजह से नॉर्थ स्टेट्स देख ली थी, सदर्न की वजह से ये दीज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी की वजह से हमने सदर्न स्टेट्स देख ली हैं। अब ये बची भी कुछ स्टेट्स को भी हम जूम आउट करेंगे, ठीक है? सी दिस इज योर छत्तीसगढ़ मैप गाइस, छत्तीसगढ़, राइट? उसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर झारखंड से, यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नीचे से तेलंगाना एंड थोड़ा सा एपी, अंडरस्टैंडिंग? सो ओवर हियर नाउ वी हैव टू मैप द रूट ऑफ महानदी। महानदी के लिए आपको सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट में ले जाऊंगा, पहले कैपिटल, ये आपको सेंटर में दिख रही है कैपिटल, दिस इज रायपुर। ओवर हियर नीचे आपको एक और डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, दैट इज धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इस धमतरी डिस्ट्रिक्ट में एक हिल्स है, हिल्स का नाम है, अगेन सोर्स में आप लिख रहे हो, ऐसे सोर्स का कॉलम बन गया होगा आपका, सिहावा हिल्स, सिहावा हिल्स। नाउ फ्रॉम दिस सिहावा हिल्स दिस महानदी विल बी ओरिजिनेटिंग गाइस फ्रॉम हियर, लाइक कैन यू सी दिस, सो इट इज फ्लोइंग लाइक दिस थ्रू दिस रायपुर डिस्ट्रिक्ट, बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट, दिस चंपा डिस्ट्रिक्ट। ओवर हियर यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओरिजिनेटिंग समवेयर इन द मिडल ऑफ छत्तीसगढ़ लाइक दिस, फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इट इज फ्लोइंग, देन इट विल एंटर इन टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और ये क्या दिख रहा है, अगेन जब भी आपको मैप में ऐसा कुछ दिखता है तो दैट मीन दिस इज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर कब बनता है, जब कोई डैम हो, तो यहाँ पर एक बहुत
famous dam, and that is Hirakud Dam. And that Hirakud Dam is on the Mahanadi River, guys. Itna aapko dhyan mein rakhna hai. Ab Odisha mein chalte hain, to Odisha ka map we have to have. So hum yahan tak pahunch gaye the. ये मेरा महानदी का ओरिजिन मेरे को सिहावा हिल से मिल रहा था, ये यहां तक पहुंच गया, ये हीराकुड रिजर्वर बन गया. दिस आई एम गोइंग फ्रॉम देन सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट, देन दिस सोनपुर डिस्ट्रिक्ट. दिस महानदी का रूट देखो आप गाइस यहां पर, ठीक है. देन इट इज फॉर्मिंग अट द डेल्टा इन दिस पर्टिकुलर भुवनेश्वर पुरी. ये यहां पर डेल्टा दिखेगा आपको पूरा महानदी का, अंडरस्टैंडिंग. सो महानदी इज बेसिकली इन्वॉल्विंग छत्तीसगढ़, दिस सिहावा हिल्स. Over here it will flow Hirakud Reservoir because of Hirakud Dam. Over here it will flow like this and Cuttack से पास होते हुए ये important cities भी आपको दिख रही है, कहाँ का पास हो रहा है, Boda, Sonepur, ठीक है. ये इसका route है, छोटा सा route दिख रहा है आपको. So लगभग around about 851 kilometer is the length of 851 kilometer is the length of Mahanadi River, guys. Now Mahanadi is a tributary we have to see. ये वाले map पे भी देखो आप, it is one of the beautiful map over here. This is Sambalpur area, say it will be passing through, then Cuttack one area city, then nearby it will be forming delta. Sirf abhi ye dekho, ab now we will be seeing its tributary. Yahi aap Odisha ke niche se ye to samajh liya tha Indravati, aur Indravati kiska tributary hai? Indravati is the tributary of your Godavari. Aur yahan se kya Vain Ganga aa rahi hai kya? Bilkul aa rahi hai, theek hai. Now see this map guys, different different map, same picture aapko nazar aani chahiye. ye Mahanadi ka route, ye Hirakud barrage over here. Then you will see southward turns and then it is flowing like this. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. Now tributaries, सबसे पहले flow इस तरफ है. That means this is the left hand tributaries and this is the right hand tributaries. That means left hand tributaries कौन कौन सी हमारी, यहाँ पर सियोनाथ एक रिवर दिख रही है आपको. सियोनाथ की ट्रिब्यूटरीज आपको याद नहीं करनी, बट सियोनाथ आपको याद होना चाहिए. इट इज सियोनाथ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर, दैट टू अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. देन यू हैव दिस हसदो, देन यू हैव दिस मांड, and then you have this Ib river guys. Soyonath, Hasdo, Mand, Ib, charon yaad karni padengi, no concession. See in this map too, again pehle sabse pehle Mahanadi ko spot karo. Ye aap aage Hirakud reservoir, ye aap ja rahe ho niche, ye pura Odisha hai yahan par pura pura, theek hai. ये जिस हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है, ये drainage basin का area mark कर रखा है. आप ऐसे मत करो, ये छत्तीसगढ़ का border दिख रहा है आपको, ये तो ऊपर तक छत्तीसगढ़ है, नीचे तक भी छत्तीसगढ़ एक्सटेंड हो रहा है. Why they have highlighted it? Because it is the drainage basin of Mahanadi river. तो यहां पर आपको सियोनाथ दिख रही है, सियोनाथ, हसदो, मांड. नाउ दिस इब इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग इन छत्तीसगढ़ बट मीटिंग ओवर हेयर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस गाइस, दैट इज उड़ीसा. तो ये तो आपकी सियोनाथ, हसदो, मांड, इब दो चार बार आपने लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा. राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ओवर हेयर यू विल फाइंड तेल, ओंग एंड जोंग. जोंग इज इन छत्तीसगढ़ ओनली, ओंग एंड तेल इज इन उड़ीसा. Let me show you another map, guys. देखो इस वाले मैप पे देखो, this is your tail, this is your ओम, this is your जोंक, ठीक है. ये तो आपका महानदी है ही. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सियोनाथ, देन यू हैव दिस हसदो, मांड, इब. अब ये छोटी छोटी रिवर्स जो है ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर सिटिंग फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट पीसेस, उड़ीसा स्टेट पीसेस, उनके लिए छोटी छोटी इनकी भी ट्रिब्यूटरीज याद करना है, नॉट फॉर अस, ठीक है. ये आ जाता है तो किसी को नहीं आएगा, एटलीस्ट तुम्हें इतना सब कुछ पता होना चाहिए जितना आई एम टेलिंग यू. हस्तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्लोइंग दिस महानदी लाइक दिस ओवर हेयर, देन हस्तो, मांड, सॉरी सियोनाथ, हस्तो, मांड, इब, जोंग ओवर हेयर ओनली, ओंग, टेल, गाइस दिस इज योर महानदी. सिंपल आपको याद रखना है, मिडल ऑफ छत्तीसगढ़ में कहीं सिहावा हिल से इट इज कमिंग अप, then it is going to Odisha, only two states are involved, and then it is forming a delta at the mouth, right? Simple guys. Ek aur main tributary aur inka bata sakta hu ki tributary as a tributary hai, actually Brahmani yahan se do turn leti hai, ek to is taraf aur ek is taraf, to Brahmani ko bhi tributary bola jata hai Mahanadi ka, but main iska origin aapko bataunga kaise two rivers se milke Brahmani will be originating and it will be making its path, theek hai. Ye I'll be telling you, but abhi Mahanadi tak roko aap. So in this plain map, can you mark over here Damodar meeting with Hugli, ठीक है. यहां तक तो हम पहुंच गए थे, दिस इज गंगा ओवर हेयर, ठीक है. यहां पर हम महानदी को ओरिजिनेट करके हमने महानदी का डेल्टा फॉर्म करवा दिया यहाँ पे. नाउ इसके बीच में कुछ रिवर्स हैं विच वी हैव टू स्टडी. ये दामोदर और महानदी के बीच में कुछ रिवर्स हैं विच वी हैव टू फिल, ठीक है. फिर महानदी के नीचे भी कुछ रिवर्स हैं विच वी विल फिल, ठीक है. सी दिस वेस्ट बंगाल मैप गाइस. वेस्ट बंगाल के मैप में अगेन आपको तुरंत नजर आ जाना चाहिए, गंगा विल बी पासिंग अहेड, इट विल बी हैविंग वन डिस्ट्रीब्यूटरी, दैट इज
हुगली में जाकर मैंने बोला था आपको ये दामोदर मिलेगा, एंड दामोदर में यू हैव पंचोल रिजर्वायर, इफ यू वांट टू रिमेंबर रिमेंबर इट, पंचोल रिजर्वायर, दामोदर ऐसे जा रहा है। नाउ यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, दैट वन रिवर दामोदर की भी ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, दैट इज बराकर गाइस, बराकर, एंड बराकर इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग इन झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया। तो बराकर एंड दिस इज योर दामोदर, इतना ध्यान में रखना है आपको। कम टू दिस झारखंड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये हजारीबाग प्लेटी देख रहे हो, ये झारखंड स्टेट है पूरा पूरा। सी एवर हेयर, झारखंड इज वेयर अब यूपी है, सॉरी ये यूपी के बॉर्डर के साथ टच है, बिहार के साथ टच है, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम, वी आर जूमिंग इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हजारीबाग प्लेट्यू, ये हजारीबाग प्लेट्यू आपको मिला। इस हजारीबाग प्लेट्यू में यू सी द ओरिजिन ऑफ बेसिकली दामोदर रिवर, दामोदर विल बी फ्लोइंग लाइक दिस एंड देन इट विल बी मर्जिंग विद हुगली इन वेस्ट बंगाल। ये तो आपको समझ में आ गया था। ओवर हेयर यू विल सी वन मोर प्लेस गाइज, दैट इज बराकर रिवर। बराकर रिवर इज ओरिजिनेटिंग समवेयर फ्रॉम हेयर एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस। एंड देखो मैथोन रिजर्वायर विल बी, इट विल बी फॉर्मिंग, थोड़े बहुत छोटे छोटे रिजर्वायर हैं। इफ यू वॉन्ट टू लर्न, लर्न इट, अदरवाइज नो नीड, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग इट, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम झारखंड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, झारखंड पीसीएस के लिए, ठीक है। तो बराकर यहां से आपको मैथोन रिजर्वायर मिलेगा, क्योंकि छोटी रिवर है बराकर, ठीक है, ये रीजनल रिवर है। तो यहां पर आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि रिजर्वायर तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे उत्तराखंड में तो देर आर 500 एंड मोर रिजर्वायर्स इन उत्तराखंड, तो ऐसे हर कोई तो याद रखोगे नहीं आप। सो अंडरस्टैंड दिस बराकर रिवर ओवर हेयर दामोदर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस रांची कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड यू आर सीइंग, इस रांची प्लेस से यू विल बी सीइंग वन रिवर इज ओरिजिनेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सुब्रनेखा गाइस, सुब्ररेखा रिवर ओवर हेयर। सो ये इसका पाथ कैसा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, then it is going to West Bengal, then again it is coming to Jharkhand, flowing like this, forming the border between Odisha and West Bengal for some time, and then it will be merging. अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कैसे पिक्चर जा रही है वेस्ट बंगाल के मैप में। यू आर सींग ओवर हेयर, देखो ये दामोदर, ये बराकर आपको याद आ गया। अब सुब्रनेखा आपने रांची से शुरू करवाई थी, आपने चलाया यहाँ से, अगेन इट इज फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन दिस एंड इट इज, देखो उड़ीसा में जाकर ये अपना माउथ बना रहा है। तो दिस इज अ सुब्रनेखा रिवर, क्रोनोलॉजिकल याद होना चाहिए आपको। दिस इज बराकर मीटिंग विद दामोदर, देन सुब्रनेखा, ठीक है, एंड उसके बाद आपका ब्राह्मणी, एंड देन यू विल बी मीटिंग, यू विल बी, यू हैव ऑलरेडी सीन महानदी। अगेन वी विल कम टू झारखंड मैप, एंड झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट दामोदर, ट्रिब्यूटरी बराकर, मीटिंग विद हुगली हो गया, ये हमने सुब्रनेखा को निकाल दिया यहां से। अगेन सदन झारखंड से आपको मिलेगा दो रिवर विल बी ओरिजिनेटिंग, वन फ्रॉम रांची अगेन, और ये वेस्टवर्ड साइड में इट विल बी फ्लोइंग, और ये बोलते हैं साउथ कोयल रिवर विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, साउथ कोयल विल बी ओरिजिनेटिंग। अब ये किसी से तो मिल रही है, देन दिस इज योर शंख रिवर, शंख रिवर विल कम लाइक दिस एंड मीट इन ओडिशा, मीट इन दिस पर्टिकुलर ओडिशा, एंड ओवर हेयर इट विल बी फॉर्मिंग, आफ्टर दैट इट विल बी नोन एज ब्राह्मणी। So I've told you Brahmani is formed by South Koyal River and Shankh River by the confluence of Shankh and South Koyal guys. आपको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है, आप देख रहे हो कि ऐसी प्लेस है, यहाँ से दामोदर, यहाँ से सुब्रनेखा, यहाँ से साउथ कोयल, और यहीं से आप देखोगे नॉर्थ कोयल ऊपर की तरफ। What you are seeing, what kind of drainage pattern is this? Radial drainage pattern guys. तो ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था दैट यू विल बी गोइंग टू सी दिस रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सिमिलर मैं आपको गुजरात में भी शो करूंगा कैसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। अभी ये नॉर्थ कोयल तो हमने देख लिया था, नॉर्थ कोयल ओरिजिनेटिंग इन झारखंड एंड मीटिंग ओवर हेयर विद द सोन रिवर गाइस, और ये आपका कौन सा था, हीरा, सॉरी रिहांड, ठीक है, ये आपने देखा था यहाँ पर, ये ऊपर जाके मिलेगा। तो ओवर हेयर यू आर सींग दिस नॉर्थ कोयल, दिस दामोदर, बराकर, सुब्रनेखा, साउथ कोयल, शंख मीटिंग टू फॉर्म ब्राह्मणी। नाउ सी दिस ओडिशा मैप, यू नो शंख एंड साउथ कोयल मीटिंग टू फॉर्म ब्राह्मणी, ब्राह्मणी इज कमिंग लाइक दिस एंड जॉइनिंग वन ऑफ द डेल्ट, वन ऑफ द दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ दिस महानदी रिवर। तो महानदी तो ऐसे स्प्रेड हो गया ना पूरा, तो एक पॉइंट पे जाके इट विल बी मीटिंग महानदी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ब्राह्मणी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, यस, इफ नॉट दे कैन से क्रोनोलॉजिकली सेट करो नॉर्थ से साउथ, तो ब्राह्मणी विल बी कमिंग फर्स्ट, महानदी देन, उससे पहले सुब्रनेखा गाइस, ठीक है, सुब्रनेखा विल बी कमिंग। सुब्रनेखा इज दिस,
यहाँ पर है, बाकी रीजनल रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स है, वी डोंट हैव टू कंसर्न अबाउट दिस। ये आपकी महानदी हमने देख ली, ओंग टेल हमने देख ली, ये चौंक, सियोनाथ, हसदो, मांड, एब, ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया। तो ओवर हेयर यू हैव कवर्ड दिस महानदी ओवर हेयर गाइज, महानदी लाइक दिस, देन दिस ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बगल में आप बैतराणी भी देखोगे, बैतराणी, ठीक है, ब्राह्मणी से ऊपर बैतराणी, सुबर्णरेखा, दिस इज दामोदर, बराकर, दिस इज हुगली, गंगा इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये स्मॉलर रिवर्स यहाँ की कन्वर्ट हो गई है। नाउ वी विल सी द स्मॉलर रिवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सदर्न उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी रिवर्स है, यहाँ मेजर रिवर गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा तो हमने बना लिया था, बट इसके बीच में भी कुछ छोटी रिवर्स आ रही है, वो कवर करने की कोशिश करते हैं। सी इन दिस आंध्र प्रदेश मैप गाइस ओवर हियर, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक वंशाधारा रिवर मिलेगी लाइक दिस, वंशाधारा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वंशाधारा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, फ्लोइंग इन टू बे ऑफ बंगाल, बेसिकली ट्रेवलिंग इन, इट्स रूट इज इन आंध्र प्रदेश। एक आपको मिलेगी नागवेली, नागवेली रिवर, उसके बाद आपको मिलेगी नागवेली रिवर, ठीक है, ये वाला मैप आपको दिख रहा है, दिस इज योर तेलंगाना, तेलंगाना में आपको मूसी आपने कर लिया था, मुन्नेरू कर लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में नागवेली दिख रहा है, यहाँ पर नागवती और ओवर हेयर, यहीं पर आपको वंशाधारा भी मिलेगा, ठीक है, ओवर हेयर वंशाधारा एंड ओवर हेयर नागवेली। फिर आपको यहाँ पर गोदावरी डेल्टा बना हुआ मिल रहा है, गोदावरी आपको पूरा पता है, साबरी, इंद्रावती मिल रहा है गोदावरी से, यहाँ पर आपको कृष्णा रिवर मिल रहा है आपको, ये आपको पता है। देन यहाँ पर आपका एक और रिवर है मन्नेरू, ओवर हेयर थी गाइस, छोटी सी रिवर मन्नेरू, एक मन्नेर अलग था, एक मुन्नेरू अलग था, ये मन्नेरू है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, तीन MM से हमने देख ली है। एक यहाँ पर आप देखोगे पेन्नेरू, पेन्नेरू उसके ऊपर मन्नेरू इज बेसिकली इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से आप पन्नेरू एंड मन्नेरू को देखो। रेस्ट यू लीव, रेस्ट दोज हु आर अपीयरिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अपीयरिंग फॉर आंध्र प्रदेश स्टेट बेसिस, ये दे विल सी दी स्मॉल स्मॉल रिवर्स ओवर हियर, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, बेसिकली पेन्नेरू, मन्नेरू, दिस कृष्णा, गोदावरी, वंशाधारा, सॉरी नागवती एंड नमसाधारा। सो मार्केट ओवर हेयर वंस यू हैव दामोदर, बराक, ओवर हेयर सुबर्णरेखा, बैतराणी, ब्राह्मणी, यू हैव महानदी, महानदी लाइक दिस समवेयर लाइक ओवर हेयर, देन यू हैव वंशाधारा, नागावेली, गोदावरी, कृष्णा, मन्नेरू एंड पल्लेरू, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट शॉर्ट रिवर्स हो गई। कुछ रिवर्स तमिलनाडु के यहाँ पर भी आप देखोगे, वो तमिलनाडु वाली रिवर्स भी हमको देखनी है गाइस, ये शॉर्ट शॉर्ट रिवर्स जस्ट रेफरेंस पॉइंट आपको बताना चाहिए कहाँ पर कौन सी स्टेट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो तमिलनाडु में इतनी सारी रिवर्स हैं, नाउ दीज ऑल रिवर्स आर नॉट नेसेसरी, कावेरी तो आपने देख ली है, ठीक है, ये सब आपने देख ही लिया है, कावेरी एंड ऑल, ये कावेरी का रूट है। कावेरी से ऊपर आप देखोगे एक आएगी वेल्लार, वेल्लार ये आपको करना है गाइस, सबसे ऊपर आपको मिलेगी पल्लार, पल्लार, वेल्लार, कावेरी, आपको कावेरी के साउथ में आओगे वैगई आपको मिलेगा, वैगई, ये भी आपको करना है वैगई, एंड लास्ट वन इज चित्तार, चित्तार, वैगई, कावेरी, वेल्लार, पल्लार, बाकी आपकी मर्जी, आपको पुन्नैयार भी करना है यू कैन डू, आपको ये वल्लई भी करना है, वैगापुर भी करना है यू कैन डू, बट ये आखिरी में करना होता है जब आपको सब याद हो गया और आप ढूंढ रहे हो कि कुछ और याद कर लूं क्या, थोड़ा एक एज मिलेगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी बाकियों से, तो आप फिर कोशिश करते हो इनको याद करने की, अदरवाइज बेसिक पल्लार, वेल्लार, कावेरी, वैगई वेरी इंपॉर्टेंट एंड चित्तार गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है इधर से। सो दीज वर योर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स विच वी हैव सीन, ये बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, सी द क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावेली, सुबर्णरेखा, वंशाधारा, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। नाउ आपको सपोज आपने कुछ नहीं सुना लेकिन ब्राह्मणी तो हम पढ़ते ही हैं, ब्राह्मणी यू नो, ईस्टर्न घाट्स आपका यहाँ पर है, ब्राह्मणी यू नो ये दैट इट इज राइजिंग फ्रॉम झारखंड डिस्ट्रिक्ट, साउथ कोयल एंड शंख मिलके आपका उड़ीसा में ब्राह्मणी का वो करता है, एंड देन इट विल बी फ्लोइंग टू दिस उड़ीसाज कोस्ट, वन ऑफ द कोस्ट, तो आप देख रहे हो सारी के सारी ईस्ट फ्लोइंग तो है ही, ये ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में तो जाएंगी वंशाधारा, सुबर्णरेखा, नागवली, लेकिन दे आर आस्किंग कि ओरिजिनेट कहां पर होता है, सुबर्णरेखा का ओरिजिन आपने कहां पे देखा, हजारीबाग प्लेट्यू, ये रांची झारखंड का प्लेट्यू से देखा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इसका राइज ईस्टर्न घाट से मिला क्या आपको। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन इजिली एलिमिनेट आइदर वन और थ्री, वन को भी एलिमिनेट करते तो आपके पास बी और सी बचता,
थ्री आपको पता है सुवर्णरेखा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम झारखंड प्लेट्यू। झारखंड एक एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जो हम अभी देखेंगे बाद में। इफ यू वांट मी टू टेक द लेक्चर ऑन प्लेट्यूज इंडियन माउंटेन्स डू कमेंट इट गाइस, राइट, वी विल बी टेकिंग इट सेपरेटली। बट आप सुवर्णरेखा को देख रहे हो यहाँ पर, सो व्हेन यू विल कैंसिल दिस ऑटोमेटिकली नागवली एंड वंशाधारा विल कम इनटू पिक्चर गाइस। सो नागवली एंड वंशाधारा इज द राइट आंसर, टू एंड फोर ओवर हियर। एंड नागवली वंशाधारा में ऊपर वंशाधारा, नीचे नागवली, यू नो, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स में ही इमर्ज होती है एंड इट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। अब नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट बी फोकसिंग ओवर हियर, सपोज दे विल बी फोकसिंग ऑन दिस वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट, सो विल बी सीइंग दिस वेस्टर्न एरियाज नाउ। गुजरात में कौन सी फ्लो कर रही है, दिस अरेबियन सी में, दिस अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही है, छोटी छोटी रिवर्स विल बी सीइंग, यू नो, देख एक सर्टेन वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पर एक स्लोप बनता हुआ गया है, ठीक है, तो कुछ रिवर्स यहाँ से जाती है, कुछ रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जूम आउट इन गुजरात एरिया कि गुजरात में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। सो इन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज योर नर्मदा रिवर गाइस। एंड नर्मदा रिवर बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट में यू नो दैट ओवर हेयर काली सिंध, ओवर हेयर चंबल, इट विल बी ज्वाइनिंग चंबल पार्वती, दिस बानस विल बी ज्वाइनिंग चंबल फॉर्मिंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यू नो दैट दिस सिंध, दिस बेतवा ओवर हेयर, सिंध ओवर हेयर, देन केन ओवर हेयर विल बी ज्वाइनिंग, ठीक है, जस्ट वेट। तो ये सब तो हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली थी यमुना गंगा की, बट ओवर हेयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया देखो नर्मदा का रूट यहाँ कहीं से दिखा रखा है, मुरवारा डिस्ट्रिक्ट से, बेसिकली इससे भी पहले से होता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जब मैं आपको माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैकाल रेंज आई विल बी टेलिंग यू, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज के यहीं पर आप देखोगे अमरकंटक प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू इज अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू से यू विल बी सीइंग द राइज ऑफ नर्मदा फ्लोइंग लाइक दिस। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अगेन ये सारी डिस्ट्रिक्ट का नाम उनको याद होना चाहिए, दोज हु आर सिटिंग फॉर एमपीपीएससी, एमपी स्टेट पीसीएस, नॉट फॉर द नेशनल लेवल एग्जाम गाइस। तो ये नर्मदा इज द मेजर, इट्स मेजर रूट यू कैन सी इन मध्य प्रदेश, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू नर्मदा का पेक्यूलर फीचर क्या है, नर्मदा पेक्यूलर फीचर इज इट इज फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ओवर हियर टू रेंजेस यू विल सी, विंध्याचल रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस, राइट। सो टू अंडरस्टैंड द होल रूट आप देख रहे हो मैक्सिमम इट इज फ्लोइंग थ्रू मध्य प्रदेश, देन इट विल बी फ्लोइंग थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र रिवर इज ऑल्सो, महाराष्ट्र स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, गुजरात में, देन इट विल बी गोइंग। अब मैं आपको गुजरात का मैप दिखाता हूँ। सो आप ये यहाँ पर आए, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर, कैन यू सी, ये एमपी से नर्मदा इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड इट इज नियर भरूच, इट इज गोइंग, तो भरूच इज द सिटी नियर नर्मदा गाइस, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका टोटल लेंथ आपको कितना लग रहा है, इट इज 1312 किलोमीटर गाइस, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1300 किलोमीटर टोटल लेंथ नर्मदा का। यू कैन यू से इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यस इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, फ्लोइंग वेयर, गल्फ ऑफ खंबात, नॉट गल्फ ऑफ कच्छ गाइस, राइट। नेक्स्ट रिवर यू सी गाइस ओवर हियर, बेतुल डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, एक तो आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करा नर्मदा को, यहाँ पर इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, बट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से इट विल बी फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग लाइक दिस, ठीक है, नर्मदा का फॉर्मेशन होगा। बेतुल डिस्ट्रिक्ट आपको मध्य प्रदेश का दिख रहा है, इस बेतुल डिस्ट्रिक्ट में दिस इज द रेंज ऑफ सतपुड़ा ओनली, तो सतपुड़ा रेंजेस में बेतुल डिस्ट्रिक्ट में यू आर सीइंग द ओरिजिन ऑफ तापी रिवर। तापी रिवर इज द नेक्स्ट रिवर यू आर फ्लोइंग, यू आर सीइंग दैट इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, फर्स्ट थ्रू मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन फ्लोइंग टू गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में जा रहा था तो यू हैव टू सी नर्मदा भरूच, यू हैव टू, यू हैव सीन तापी पे कौन सी सिटी है, सूरत, ओवर हियर यू सी, और ये गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। और ये बनाते क्या है वेस्ट साइड में, डेल्टा बनाते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं गाइस। ओके वन क्वेश्चन आई विल गिव यू, आई वांट टू नो दैट डू यू रियली नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी इन वन लाइन। वन लाइन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लाइन आपने लिख दिया, फुल स्टॉप बहुत आखिरी में लगा रहे हो, एक सिंपली लाइन में कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा। दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन योर ओन विदाउट सर्चिंग एनीवेयर, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में I'll be explaining it, ठीक है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप कितने सिंपली किसी चीज को लिख सकते हो विदाउट सीइंग। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एज इट इज कहीं से देख के समझ के फिर एक लाइन में लिखना, नो, जितना आप समझ पाए हो इस थ्रू आउट दिस इंडियन ज्योग्राफी से, और आपने खुद से भी पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी अपार्ट फ्रॉम दिस रिवर सिस्टम। तो वट डू यू नो और वट इज द डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी, वाई ओवर हेयर इन वेस्टर्न साइड यू आर नॉट सीइंग डेल्टा फॉर्मेशन, वाई ओनली इन वेस्टर्न साइड यू आर सीइंग डेल्टा फॉर्मेशन। क्वेश्चन लाइक दिस विल अपियर इन मेंस, नॉट इन प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स में भी एक स्टेटमेंट में आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आया है और उसके बाद चार स्टेटमेंट आ सकती हैं ऐसे कि व्हाई इन ईस्टर्न घाट्स यू आर नॉट, व्हाई इन वेस्टर्न घाट्स यू आर नॉट सीइंग डेल्टास फॉर्मेशन।
क्वेश्चन लाइक दिस कैन कम. ठीक है, आप मेरे को एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, तो अभी तो हमें नर्मदा और तापी का पता चला है, लेकिन यहाँ पर बाकी भी तो बहुत सारी रिवर्स आप देख रहे हो. ये साबरमती भी रहती है, माही भी रहती है. ठीक है, इनको देख लेते हैं. यहाँ पर भी दो चार रिवर्स आप देख रहे हो. यहाँ पर ये क्या रेडियल पैटर्न फिर से आपको नजर आ रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिवर्स है, सब याद हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. सो सी ओवर हेयर गाइज, दिस साबरमती रिवर. तो साबरमती कहीं राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपकी ये ओरिजिनेट हो रही है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होके साबरमती विल बी फ्लोइंग डाउन साउथवर्ड्स. ओवर हेयर यू विल बी सीइंग इट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, एंड ओवर हेयर इट इज फ्लोइंग टू दिस गल्फ ऑफ खामबाद गाइस. ठीक है, नेक्स्ट यू सी माही रिवर गाइस. अब माही रिवर को आपको समझने के लिए कहां फिर से अगेन सोर्स क्या है माही रिवर का, मध्य प्रदेश में यू विल फाइंड धार डिस्ट्रिक्ट. लेट मी शो यू, ये धार डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का. ये यहां पर कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज, दैट इज विंध्यासा रेंज. ओवर हेयर यू विल सी अमरोरू हिल्स. अमरोरू हिल्स, अमरोरू हिल्स से माही विल बी ओरिजिनेटिंग गोइंग टूवर्ड्स राजस्थान एंड देन कमिंग बैक टू गुजरात. ठीक है, तो माही का पता होना चाहिए एमपी, राजस्थान, गुजरात. बस इससे ज्यादा आप ये मत देखो कि कितनी इनकी ट्रिब्यूटरी है माही की, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है. नो, बस ये आपको पता होना चाहिए दैट ये यहां से एक बार जाके फिर नीचे वापस आती है. सो व्हेन यू आर सीइंग दैट माही इज गोइंग लाइक दिस, तो दैट्स व्हाई यहां से आपकी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है. तो दिस इज द ओनली रिवर विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस गाइस, दैट्स व्हाई इसका आंसर माही होता है. ठीक है, माही ज्यादातर इन क्वेश्चंस में आता है. इन क्वेश्चन यही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, और नीचे ऑप्शन में माही भी मेंशन होगा, इट विल बी द आंसर. तो मैं यहां पर आपको बात कर रहा था, यहां कहीं थर्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहां से ओरिजिनेट होगा. यू आर सीइंग माही लाइक दिस ओवर हेयर, इट विल बी फ्लोइंग टू दिस गल्फ ऑफ खामबाद, और यहीं से आपकी कर्क रेखा दैट इज कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी पासिंग, इट इज पासिंग इट ट्वाइस ओवर हेयर. अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो ये साबरमती यू हैव नोन, नर्मदा यहां से आ रहा है, भरूच, सूरत यहां से आ रही है. ठीक है, ये रिवर्स हो गई हमारी, ये मेजर रिवर्स है विच यू हैव टू नो. अब आप इस एरिया को देखो गाइस, ये यहां पर क्या पड़ता है ना, यहां पर पड़ते हैं मांडव हिल्स. ठीक है, मांडव हिल्स. अब इस हिल्स से यू विल बी सीइंग सर्टेन रिवर विल बी फ्लोइंग. ठीक है, तो कुछ रिवर्स को हम समझते हैं यहां पर. पहली रिवर जो आपको ध्यान में रखनी है ये है भोगोवो रिवर. ये देख रहे हो यहां पर भोगोवो रिवर, दिस भोगो. कुछ नाम ध्यान में नहीं रखना, बाकी सारी छोटी मोटी रिवर है. भोगोवो ये रिवर आपको ध्यान में रखना है. सेकंड रिवर जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये शेत्रुंजी रिवर. यहां पर आपको दिख रहा है ये चीज, ये थोड़ा सा जूम करोगे, शेत्रुंजी रिवर. ठीक है, एक साइड यहां से भोगोवो जा रही है, शेत्रुंजी यहां से आपने देखा. थर्ड यहां से यहां जाएगी, यहां लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लिख लो सरकला रिवर, सरकला, सरकला रिवर आपको लिखना है यहां पर, सरकला रिवर एक याद ध्यान में रखना है. इस तरफ जाइए, फिर आप ये वाली रिवर देखो, यहां पर ओझल रिखा है, यहां पर ओझल रिवर, सरकला, शेत्रुंजी, भोगोवो, ये मांडव हिल से आपका. ये जो ऊपर की साइड रिवर जा रही है यहां पर, इस रिवर को बोलते हैं हम ऊंद रिवर. ऊंद इज गोइंग टू गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खामबाद है. दिस इज योर अरेबियन सी ओवर हेयर. ठीक है, यहां से आपकी साबरमती आई, ये फ्लो कर रही है यहां पर. माही यू हैव सीन यहां पे, दिस इज योर नर्मदा, दिस इज योर तापी. इतना ध्यान में. दो रिवर को और ध्यान में रखना छोटी छोटी, औरंगा एंड पार. औरंगा पार, पार रिवर येरी, औरंगा रिवर येरी, छोटी छोटी रिवर्स हैं औरंगा पार, बिकॉज दिस आर रिटन इन एनसीईआरटी गाइस. औरंगा पार, तापी, नर्मदा, दिस इज योर माही, दिस इज योर साबरमती, दिस इज योर भोगोवो, शेत्रुंजी, सरकला, ओझल, ऊंद. ये सारी रिवर्स आपको ध्यान में होनी चाहिए. इसमें करना कुछ नहीं है, दो तीन बार आपको सेल्फ हेल्प मैप बनाने हैं. सॉरी, इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम कर लूं, इस टाइप का सेल्फ हेल्प मैप. और हेयर मांडव हिल्स जब भी याद आए तो यहां से एक भोगोवो निकालो या शेत्रुंजी निकालो, सरकला निकालो, ओझल निकालो, ऊन निकालो. तो ये रेडियल पैटर्न ड्रेनेज में अगर एग्जाम्पल क्या लिखना होगा आपको मेंस में, यही वाला. यहां से साबरमती, यहां से आपका माही, माही यहां से नर्मदा, तापी, औरंगा पार. एक रिवर जो आपको राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में मिलेगी जो इफर्मल है, यहाँ खो जाती है, दैट इज माही रिवर, दैट इज लूनी रिवर गाइस, लूनी रिवर. ठीक है, इस रिवर का आप ध्यान रखना है, लूनी रिवर का. दिस इज इफर्मल रिवर ओरिजिनेटिंग समवेयर इन राजस्थान, देन क्रॉसिंग फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन दिस कच्छ एरिया में आकर गुजरात के, इट विल बी गेटिंग लॉस्ट.
ये कहीं मिलेगी नहीं बाहर जाके किसी भी एरिया से, तो इट इज बेसिकली लुनी रिवर. देन यू कम टू गोवा गाइस, गोवा का मैप है ये. एंड गोवा में दो रिवर का आपके ध्यान रख रहा है, दैट इज मांडोवी एंड दिस इज जुआरी. तो दिस मांडोवी एंड जुआरी, यहाँ पर मरमगाव बे भी आपको यहीं पर मिलेगा. तो मांडोवी एंड जुआरी, जुआरी ठीक है. यहां पर आप देखो दिस इज मांडोवी, मांडोवी रिवर, दिस इज जुआरी रिवर कट एस्चुरी. यहां पर आपको ये गोवा में आपको मिला दो छोटी छोटी रिवर्स. अब गोवा से नीचे आओगे कर्नाटका, अभी कर्नाटका, गोवा से नीचे है कर्नाटका. कर्नाटका में पहली नहीं इंपॉर्टेंट काली नदी, काली नदी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, काली नदी को एज इट इज याद रख लो यहाँ पर ठीक है. सेकंड रिवर आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ये रिवर जो आ रही है ये शरावती रिवर है, शरावती. अब ये शरावती रिवर का पास क्या आप देख रहे हो, जॉग फॉल्स. ये छोटा सा लिखा भी यहाँ पर, थोड़ा जूम करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जॉग फॉल्स. रुक जाओ मैं ये जूम करता हूँ, ये जॉग फॉल्स लिखा हुआ है, इट इज ऑन शरावती रिवर. बहुत पुराने क्वेश्चन ऐसे बनते थे स्टेट पीसेस वगैरह में, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन पता होना चाहिए आपको ठीक है. वॉटरफॉल्स, इफ यू वॉन्ट टू लाइक me to make the this particular one video on waterfalls, I'll be telling you waterfalls and reservoir, chalk falls over here. ठीक है, so Kali Nadi, Sharavati you have seen. One river over here you will see Netravati guys. ठीक है, इसको भी याद रखना, छोटी छोटी रिवर्स है. Then you come to Kerala and Kerala map you will be seeing. Kerala में you have to remember, see this map of Kerala. Paiya Swami सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, Paiya Swami, ये आपको याद रखनी है, एक छोटी छोटी रिवर्स है पैया स्वामी. सेकंड आपको एक ये यहाँ पर ना एक वर्ड मिलेगा पूजा पूजा करके, तो पूजा पूजा से समझ लेना अभी केरला की रिवर्स हैं ठीक है. इट इज फ्लोइंग इन द वेस्ट साइड ठीक है. तो एक सेकंड रिवर आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, लेट मी शो यू पेरियार रिवर गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पेरियार रिवर. यहीं पर आपको टाइगर रिजर्व भी मिलेगा पेरियार रिवर ठीक है. मुपली पूजा एक यहाँ पर आपको मिलेगा, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर रिमेंबर, अदरवाइज नो नीड, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है. केरला पीसेस जो लिख रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा. ये पेरियार लेक आपको यहाँ पर मिलेगा. फिर ये कुछ रिवर्स हैं, डोंट रिमेंबर देम, आई वुड से दिस विल क्रिएट क्योस, नथिंग एल्स. बट आप यहाँ पर दो लेक देख रहे हो, वेम्बनाड लेक एंड कैयम कुलम लेक. बट लेक में इफ यू वांट मी टू मेक अ होल सेपरेट वीडियो ऑन लेक्स ऑफ इंडिया, आई विल बी मेकिंग इट, नो प्रॉब्लम गाइस राइट. सो तब ये कवर कर लेंगे हम वेम्बनाड कैयम कुलम ठीक है. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी इसमें. केरला में आप ये याद रखना, मुपली पूजा ओवर हेयर, ऊपर से हमने जो देखा था पैया स्वामी ठीक है. So these are all rivers which we have seen. Again, we had started this class with understanding. First of all, Ganga का रूट हमने देखा था यहाँ से. Sorry, थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ मैं. लेकिन यहाँ से मैंने गंगा का रूट देखा था. Or let me draw it separately. गंगा का रूट, you know, remember? This is Bay of Bengal. Sorry, this is suppose Hooghly and this is your Meghna. ठीक है. अब मैंने बोला था आपको, you have to remember that over here, this Damodar will be originating from Hazaribagh Plateau of Jharkhand. फिर आपको बराकर याद रखना है ओवर हेयर. देन आई टोल्ड यू नीचे से ही सुपरनेखा विल बी ओरिजिनेटिंग एंड इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. देन आई टोल्ड यू यहीं से आपको साइड से नॉर्थ साउथ कोयल एंड शंख मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ कोयल तो सोन की ट्रिब्यूटरी है, गंगा में हमने पढ़ा था, और यही आपकी ब्राह्मणी बनाएगी. लेकिन ब्राह्मणी से पहले आई हैव टोल्ड यू बैतराणी विल ऑल्सो बी देयर. तो जब ये डेल्टा बना रही है ना, तो कोई ना कोई स्ट्रीम किसी से अटैच हो जा रहा है. तो आप ऐसे मत समझना कि यार ये बैतरानी तो यहाँ टच करनी चाहिए, सर ने ऐसे अलग क्यों बनाया. ऐसा अलग अलग मैप में आपको अलग 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 चीजें दिखेंगी ठीक है. बैतरानी ब्राह्मणी ठीक है. तो अब यहाँ पर आप देखोगे महानदी हमने देखी थी, छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होकर महानदी आती है यहाँ पर, ऐसे पूरा डेल्टा फॉर्मेशन दिखते हो. सियोनाथ मांड इब, एक और मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद आ जाना चाहिए एक बार, नहीं तो देखो यहाँ पर जोंग ओंग टेल, दिस इज योर महानदी ठीक है. यहां तक महानदी तक आप पहुंच गए. ओवर देन यू विल मूव डाउनवर्ड. यहां पर आपको मिली थी हमारी कौन सी रिवर, वंशाधारा. यहां पर मिली थी कौन सी, एक और रिवर मैंने आपको बताई थी, यहां पर आपको याद रखनी है ठीक है. फिर यहां पर तो गोदावरी आई रही है, वो तो मेन रिवर है. यहां पर कृष्णा आई रहा है, वो भी मेन रिवर है. देन यू आर सीइंग दिस ओवर हेयर, वन मोर रिवर वी हैव सीन गाइज ओवर हेयर ना. यहाँ पर हमने दो रिवर्स का और देखा था आंध्र प्रदेश में, इफ यू कैन रिमेम्बर जस्ट सी. यहाँ पर आपकी कावेरी आ रही थी, कावेरी से ऊपर मैंने आपको दो रिवर याद रखने के लिए बोली थी, वैगई साउथ में थी कावेरी के, अपवर्ड्स में थी, साउथ में थी वैगई ठीक है. वन मोर रिवर आई हैव टोल्ड यू दिस. मांडवी हिल्स से आपने देखा शेत्रुंजी, ऊपर देखा तो यहाँ पर भोगो, यहाँ देखा तो आपने वन मोर रिवर सरकला, ऊपर ऊंद ओजल साबरमती, ये लुन्नी यहीं पर इफर्मल रिवर है, माही नर्मदा तापी औरंगा पार
जुआरी मांडोवी, फिर यहां पर आपने देखी काली नदी ओवर हेयर, सरवस्ती रिवर, यहां पर पय्यम स्वामी ओवर हेयर, पेरियार और दो चार रिवर और देखिए। छोटी छोटी रिवर्स का सिर्फ इन्फरेंस होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा आ रहा है डायरेक्टली यू आर सीइंग दैट क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस। ब्राह्मणी, नागवली, देखो नागवली रिवर हमने पढ़ी थी वहां पर, सुवर्णरेखा, वंशधारा, तो जस्ट रिवाइज इट वंस, और जितना हमने लिख लिया मोर देन इनफ, उसी को बार बार रिवाइज करो गाइस, ठीक है, तब जाकर ये रिवर सिस्टम पूरा आपका कंप्लीट होगा। इतनी रिवर्स का जो हमने देखा है, इंडस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी होता क्या है देखो, प्रायरिटी एरियाज, नाउ आई एम टेलिंग यू, रिवर्स अगर आप देखा अभी तक हमने जितना, तो ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और ये गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहां से आपके 80% चांसेस हैं दैट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर। 80% चांसेस का मतलब क्या है कि अगर आप 2023 प्रीलिम्स देने चाह रहे हो तो 80% चांसेस है क्वेश्चन यहां से आएगा। तो सबसे पहले मैं इन एरियाज को कवर करूंगा, अगर मेरे ये टिप्स पे हो जाता है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट यू व्हाइल प्रिपेयरिंग, अगर ये आपके टिप्स पे हो जाता है देन यू मूव टुवर्ड्स दी स्मॉलर स्मॉलर रिवर्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। यहां पर महानदी भी इंक्लूड कर देना, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। देन यू मूव टुवर्ड दी स्मॉलर रिवर्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस क्लास। उसके बाद आप ये मांडोवी हिल्स में अपना टाइम खराब करो, एक दो बार देखो, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आई गेस, एक दो बार आपको देखने की जरूरत है, उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये रिवर सिस्टम आपके हाथ से नहीं जाएगा, आई एम टेलिंग यू, इससे अगर ऊपर आ रहा है तो ट्रस्ट मी वो सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उसमें आपको भी फिर अगर आप पूरा एग्जाम का, आप अपना पूरा एग्जाम का पैटर्न देखोगे कितने आपके सही हो रहे हैं, और फिर रिस्क लो। अदरवाइज अब अगर आप ये भी छोड़ के जाते हैं फिर आप कॉम्पिटिटिवली साउंड नहीं हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, वी विल बी स्टार्टिंग समथिंग एल्स नाउ, यू कमेंट व्हाट यू वांट मी टू स्टार्ट, आई विल सी द कमेंट्स टू, राइट, सो टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग गाइज।